नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास पास है और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो भी बैंक में, तो आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आ चुकी है नई भर्ती, जो कि सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर नई वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी के लिए सिर्फ 10th क्लास पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 100% 10th पास के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप भी 10वीं क्लास पास है तो इस वैकेंसी के लिए आज ही अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। तो इसके आवेदन जो है 27 जून तक चलेंगे। 27 जून से पहले आपको अप्लाई करना होगा, लास्ट डेट जो है 27 जून है। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है और ये नोटिफिकेशन कैसे आपको चेकआउट करना है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को आज ही सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो हमारे चैनल का लोगो आप देख सकते हैं, चैनल का नाम है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी और ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, यहां पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में आपको एक बेल आइकन का बटन मिलेगा, उसे दबा करके आप ऑल कर दीजिएगा। दोस्तों यहां पर आपको हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है, तो चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है नई वैकेंसी। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं बैंक की नई वैकेंसी है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। पद जो है आप देख सकते हैं कौन सा पद है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी का पद जारी किया गया है। टोटल कितने पद है, 484 पद है, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लड़के और लड़कियां सभी के लिए यहां पर जॉब निकाली गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, इसके आवेदन सिर्फ आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा इस जॉब के लिए, ठीक है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिल रही है इस जॉब के लिए, तो 14,000 से लेकर के 24,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है जो कि काफी अच्छी सैलरी है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो एग्जाम का लेवल बहुत ही ज्यादा बिल्कुल जीरो होने वाला है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आप एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे, आप पास हो सकते हैं। बहुत ही इजी आपको एग्जाम दिया जाएगा, बहुत ही आसान आसान से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत इजी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वही दोस्तों लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की है, आप इंडिया में किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको ये जॉब मिल जाएगी आपके नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन में, ठीक है। वही दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो क्या रखी गई है वो भी आप देख सकते हैं, कम से कम 18 साल है और अधिक से अधिक यहाँ पर 26 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, लेकिन एनसीएल को, ठीक है, एनसीएल के कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपए फीस है जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है, और एससी एसटी वुमेन्स के लिए 175 रुपए है जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। अगर आप वुमेन हैं ओबीसी जनरल एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के तो आपको 175 रुपए का ही पेमेंट करना होगा, ठीक है। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सिर्फ 10वीं क्लास पास के लिए जॉब है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप 10वीं क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो है 100% अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 100% आप सभी के लिए वैकेंसी है, अप्लाई कीजिएगा, 10वीं पास के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके आवेदन फिर से रीओपन किए गए हैं और 21 जून से लेकर के 27 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त में आपके एग्जाम लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं आपके एग्जाम कब होंगे, जुलाई और अगस्त में आपके एग्जाम होंगे। यहां से आपको आप देख सकते हैं जो रीओपन किया गया है उसका नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फिर से इसको रीओपन किया गया है, फिर से आप सभी से आवेदन मांगे जा रहे हैं, पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। तो यहां पर कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी जानकारी है, 21 जून से 27 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको कब से कब तक करना होगा, कितना कितना करना होगा, और आपका जो एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, जुलाई में एग्जाम कब होगा, जुलाई में, ठीक है। सारी जानकारी यहां पर दे रखी है, पूरा का पूरा शेड्यूल आ चुका है कब से कब तक आपके एग्जाम चलेंगे, आपका सिलेक्शन कब होगा, जोन वाइज आपको कब यहाँ पर जॉइनिंग मिलेगी, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है।
अब आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपको आना है 27 जून से पहले अप्लाई करना है, पीले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, आपका पूरा नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका कैप्चा कोड डाल के आपको सेव और नेक्स्ट करना है, कोने में आपको बटन दिया गया है यहाँ पर आपको दबा देना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद आपकी डिटेल्स डालनी है, आपका एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी दे देनी है, फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, फाइनली आपको पेमेंट करके फॉर्म को भर के सबमिट कर देना है। बस सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना है। बट अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, 10वीं पास है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। बाकी इस भर्ती को लेकर के कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।